नवीनतम विकास में भारतीय नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से भारत में उड़ने वाली सभी एयरलाइनों को चीनी नागरिकों पर सवार न होने के लिए सूचित किया है। इससे पहले भारत ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर चीन के साथ उड़ानों का निलंबित कर दिया था, लेकिन चीनी नागरिकों ने भारत के साथ एयर बबल की व्यवस्था वाले देशों के माध्यम से पर्यटक वीजा को छोड़कर विशिष्ट प्रकार के वीजा पर भारत की यात्रा जारी रखी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पीएमसी बैंक घोटाला मामले में जांच में शामिल होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन जारी किए जाने के बाद एक दिन बाद संजय राउत पर अपना हमला तेज कर दिया है। आरोप का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता किरीट सोमैया हैं और जिन्होंने ट्वीट की एक श्रृंखला में संजय राउत पर हमला किया। उन्होंने पूछा कि ईडी इस मामले में आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है, जब ईडी केवल उनकी पत्नी से मामले के संबंध में पूछताछ करना चाहती है। संगीतकार ए आर रहमान ने अपनी मां करीमा बेगम को खो दिया है। वह काफी समय से अस्वस्थ थी और चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। ए आर रहमान ने ट्विटर पर खबर की पुष्टि करने के लिए अपनी मां की तस्वीर साझा की। चित्र किसी पाठ के साथ नहीं था और ए आर रहमान अपनी मां के काफी करीब थे। एक पुराने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उनकी मां ने संगीत के प्रति झुकाव रखा है। वास्तव में उनकी मां ही थी जिन्होंने उन्हें संगीत के लिए प्रोत्साहित किया। धीरूभाई अंबानी की जयंती पर उनकी बहू टीना अंबानी ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले दिवंगत सफल भारतीय व्यवसायी टाइकून को याद करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। अपने दिवंगत ससुर को याद करते हुए अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने एक मार्मिक नोट लिखा। उन्होंने पोस्ट के लिए अपने व्यक्तिगत एल्बम से दो दुर्लभ चित्र भी साझा किए। दो अनमोल तस्वीरों में धीरूभाई अंबानी के साथ टीना अंबानी और उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थकों का विश्वास है कि सोनिया और राहुल और प्रियंका गांधी एक अनौपचारिक शांति समझौते की शर्तों का सम्मान करेंगे, जिसे अगस्त 2020 में लागू किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुयायी पायलट शिविर की आशावाद को अस्वीकार करने में व्यस्त हैं। वास्तव में गहलोत खुद पायलट की अवधावत की ओर इशारा करते रहे हैं और एक चतुर राजनेता के रूप में उन्होंने भाजपा को राजस्थान में अभियंताओं की अवहेलना का प्रयास करने का लक्ष्य दिया, लेकिन पायलट की कथित भूमिका के बारे में किसी भी तरह का अनिश्चित हिस्सा कांग्रेस के भीतर चोट और बेचैनी का कारण बनता है। 28 दिसंबर को स्वर्गीय अरुण जेटली की 68वीं जयंती के मौके पर फिरोज शाह कोटला मैदान में अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर 6 फुट ऊंची अरुण जेटली की प्रतिमा लगाई गई थी। इस प्रतिमा का वजन करीब 800 किलोग्राम है और इसकी कीमत 15 लाख रुपए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली के परिवार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनुराग ठाकुर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह और भारत के पूर्व कप्तान और दिल्ली के कप्तान वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं को शुरू करने के साथ जनकपुरी पश्चिम और बोटैनिकल गार्डन को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन का उद्घाटन किया। भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक हैं जिन्होंने लगभग 21 साल पहले टाटा समूह की कमान संभाली थी। आज 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने चाचा जेआरडी टाटा द्वारा समूह के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। रतन टाटा ने वैश्विक बाजारों में अधिग्रहण सहित साहसिक फैसलों के माध्यम से समूह को बदलने में कामयाब रहे। देश में रविवार को 20,323 नए संक्रमित की पहचान हुई। 21,097 मरीज ठीक हो चुके हैं और 281 की मौत हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस में 1,056 की कमी आई। अब कुल 2.76 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 1.02 करोड़ केस आ चुके हैं। इनमें से 97.81 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.47 लाख की मौत हो चुकी है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed.